कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाचा कल्पगर्भस्य कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबलाय कृष्णप्रेमप्रदायके कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि गौरवतु श्री नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीसहदुःखदत्त श्रीराधिकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृन्दाय तुलसीदत्तये प्रियापये केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवि सत्यव्रतये नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मेरे गुरुपाद पद्म पितृगा प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमान भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग नमन प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पितृगा प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमान भक्ति वेदांत सिंगल नारायण गोस्वामी महाराज के चरण स्वरूप में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी भक्ति यथाकृत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक विशेष तिथि है। आज हमारे संप्रदाय के श्री गोस्वामी में अन्यतः श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्मदिन। इसके नियम है जब बीच में कोई संतों का जन्मतिथि आ जाए नियम है कि संतों की कथा सुननी चाहिए। बोले क्यों सुननी चाहिए? बोले कहानी जब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु श्री गदाधर पंडित के पास में रोज कथा सुनने जाते थे। गदाधर पंडित प्रश्न करता था, बोले प्रभु आज किसकी कथा सुना? तो महाप्रभु कहते थे हमें वैष्णव का कथा सुना, संतों की कथा सुना। बोले संतों की कथा क्यों सुनाए वैष्णव? बोले जब किसी वैष्णव की कथा हम सुनते हैं हमारे हृदय में कौन सा संत कैसे कैसे भजन किया, तो उनका जो भजन पद्धति हमें पता चलता है, हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति में बड़ी बड़ी तूफान भी आती है, भक्ति में बड़ी बड़ी आंधी तूफान आती है। इसके पुराण में बताए बोले सत्यम सत्रे न बिघ्नानां। अगर आप सच बोलने के लिए जाओ ना उसमें सौ बिघ्न है, अगर तपस्या करने के लिए जाओ उसमें हजार बिघ्न है। कभी अगर भगवान की भक्ति करने के लिए जाओ, कृष्ण की भक्ति करने के लिए जाओ, कभी प्रति पद पद में ही बिघ्न है। आप लोग मीरा का नाम सुने होंगे। मीरा ने जब भजन करने के लिए गई, आप हम तो साधारण घर के, वो साधारण घर के नहीं थी, राजरानी थी। जब उसने भजन करने के लिए गई उसका पति विरोध हो गया, उसकी ननद विरोध हो गया, उसकी सास विरोध हो गया, उसका देवर विरोध हो गया, पूरा राज्य ही उसका विरोध हो गया।
एक कुत्ता तक नहीं जानी थी, सत्य सब इसके पीछे बैठ गए। जब प्रहलाद महाराज ने भजन के लिए गए, उसको पिता ही स्वयं बच्चे को मारने के लिए लग गए। वो कोई बुरा काम नहीं कर रहा, भगवान की तो भक्ति कर रहा था ना। जब हरिदास ठाकुर जी भजन करने के लिए गए, उनको तो 22वीं बजा में इतने पिटाई हुई, उनको इतने पिटाई हुई कि चमड़ा उतर गया, कि चमड़ा उतर गई जब उन्होंने भजन करने के लिए गए। इसलिए भजन में बड़ी बाधा बाधा विपत्ति आती है। अगर बच्चा अगर सिगरेट फूक रहा है, शराब पी रहा है, देखना कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन गले में थोड़ा घंटी पहन ले, थोड़ा तिलक लगा, देखना। बल्कि कोई उम्र है तेरे भजन करने का, कि अभी से सब तिलक घंटी क्या कर रहा तुमने कर लिया, जैसे माला में क्या हाथ में इस माला की थोली है। अगर सिगरेट फूकता है ना, शराब पीता है, घर के बच्चों को साथ में घूमता है, उल्टा पुलटा करता है, देखना दुनिया कुछ भी नहीं बोले। बोले गरीब गुरु, हमारा बच्चा बड़ा अपमान से हो रहा है, गर्ल फ्रेंड लेकर घूम रहा है, उसमें कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन थोड़ी सी तिलक घंटी माला लगा तो देखना पूरा उसका विरोध हो जाएगी। बोले कोई उम्र की कोई उम्र हो क्या बदल गई, मतलब भक्ति में कितने बाधा भक्ति में। लेकिन जब हम संतों का चरित्र वैष्णव का चरित्र सुनते हैं ना, फिर हमें पता चलता है अगर भजन करते करते कोई विपत्ति आए तो हम विपत्ति से कैसे बाहर है, वो विपत्ति को हम कैसे सम्मुख होकर के कैसे भगवान की भक्ति करें, ये भक्त चरित्र से ये पता चलता है। इसलिए भागवत में केवल भक्त भक्तों का कथा है, नारद की कथा है, ध्रुव महाराज की कथा है, प्रहलाद महाराज की कथा है, अम्बरीश महाराज की कथा है, भरत महाराज की कथा है, और ब्रजवासियों की कथा। भागवत मतलब जहाँ पर केवल भागवत मतलब होता है, तत्र महाभागवत है, इसमें केवल संतों की चरित्र इसमें और कुछ इसमें उसमें। इसलिए नियम है, जब कोई वैष्णव का चरित्र आता है क्योंकि उसमें कुछ संतों की कथा सुननी चाहिए। इसलिए आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की आज जन्मतिथि है, हम लोगों ने सवेरे भी श्रवण किया था, आप लोग थे भी, इसलिए घर में दो बार कथा सुना देता हूँ। ये हम रोज हम जय कहते हैं, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट भास्कर रघुनाथ, रोज हम जय कहते हैं। इनकी चरण की वंदना करने से भक्ति में जितने बाधाएं हैं सारी बाधाएं दूर हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवान जब किसी जगत में आते हैं, जैसे राम आए वो अकेले नहीं आए, पूरा अपना भक्तों को लेकर गया। कृष्ण आए अकेले आए क्या, अकेले नहीं आए, वो पूरा भक्तों को लेकर गया। उसी तरह जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आए वो अकेले नहीं आए। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करे सपार सदसियो साम सह अवतार। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपना धाम अपना परिक्रमा को जगत में लेकर गया। बोले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है, कृष्ण लीला में इनकी दो नाम आती है कृष्ण लीला, एक तो ये अनंग मंजरी, यदि ये अनंग मंजरी कौन है, बल्कि राधा रानी की ये छोटी बहन है, ये बड़ी कृष्ण की सेवा करती थी। एक दिन राधा रानी प्रसन्न हो गई, बोले बताओ तेरे को क्या वरदान चाहिए, क्या वर चाहिए। उन्होंने प्रार्थना की, अगर मुझे वर देना चाहते हो एक वर दो, कृष्ण का जो पाम पार्श्व में हमें स्थान दे। अभी कृष्ण का पाम पार्श्व में कौन खड़ी रहती है बताओ, कृष्ण के पाम पार्श्व में कौन खड़ी रहती है, जोर से बोलो, राधा रानी। हर समय कृष्ण के पाम पार्श्व में राधा रानी, तो
राधा रानी बोले ठीक है, राधा रानी बड़े तैयार होना, राधा रानी बड़ी कृपा बोले ठीक है। कलयुग में जब यही कृष्ण श्री गोपीनाथ जी के रूप में आएंगे फिर तो मैं अपना स्थान में छोड़ दूंगी और अपना स्थान पर चले जाऊंगी और कृष्ण का डाहन पास से मैं खड़ी हो जाऊंगी, तब मैंने वरदान दिया। इसलिए आप जितने गोपीनाथ जी की मंदिर आप देखोगे ना, बाम पास में राधा जी नहीं दिखेगी, कौन दिखेगी? श्री अनंत मंजर की ये जानवा देवी थी, ये अनंत मंजर जानवा देवी है, आप उनको ही देखोगे और उनको डाहन पास में श्री राधा रानी को दर्शन करने को मिलता है। इसलिए इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रानी की छोटी बहन है, सब जो कृष्ण कितने प्यार करते हो, कितने प्यार करना करते हो, अपना पत्नी से साली को ज्यादा प्यार करने लग जाते था मां, इसलिए एक तरह से समझो ये साली है कृष्ण की। इसलिए इसलिए कृष्ण उनको साथ बड़ी प्रेम है उनके साथ। और कृष्ण लीला में ये और बोले श्री गुण मंजरी और एक मंजरी तो गुण मंजरी, यदि ये दोनों मिल करके श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप में आए। जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा की, दक्षिण यात्रा किए थे, अभी महाप्रभु अपना भक्तों को अलग 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 जगह पर उन्होंने जन्म दिया, लेकिन महाप्रभु कहाँ जन्म हुए? श्री नवद्वीप, बहुत बहुत नवद्वीप गए, हाथ उठा कर नवद्वीप पर बन गए, नवद्वीप गए। इसलिए आप देखना महाप्रभु का जन्म हुए ना गंगा किनारा, देखा ना गंगा किनारा महाप्रभु जन्म, पवित्र स्थान पर जन्म हुए, लेकिन वो तो स्वयं पवित्र स्थान पर जन्म हुए, लेकिन उन्होंने भक्तों को बड़ी दूर 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 में उनको जन्म दे दिया। बोले कहाँ पर जन्म दिए? बोले पांडव वर्जित स्थान, जहाँ पर श्री पंच पांडव नहीं गए, ये पांडव को वनवास भी हो गया। ये तो कृष्ण के इतने प्यारे भक्त हैं, इनको बाहर 13 साल तक इतना भटकना नहीं पड़ा। बोले भटकने नहीं, ये कृष्ण की इच्छा, क्योंकि जब तक कोई संतों की वैष्णव का कहीं चरण नहीं पड़े वो स्थान को पवित्र नहीं मान जाता। इसलिए शास्त्र ने बताया जहां पर एक शुद्ध साधु जन्म हो गया है, शुद्ध साधु जन्म हो गया, जब उसकी प्रभाव से करोड़ों जुजन तक स्थान पवित्र हो जाता है, जब वो हाथ उठा करके नृत्य करते हैं इतने प्रभाव संतों की, स्वर्ग का जो अमंगल वो दूर हो जाता है। क्यों हाथ में ऐसे करते हैं ना, स्वर्ग का अमंगल दूर हो जाता है। और उनकी नेत्र आंख जितने दूर तक वो नेत्र आंखों से दर्शन करते हैं, इतने प्रभाव है वो सारे स्थान पवित्र हो जाते हैं, सारे अमंगल वहां से दूर हो जाते हैं। जब वो कृष्ण प्रेम में नृत्य करते हैं, उनकी चरण का स्पर्श पा करके जब ये पृथ्वी भी अपनी आप को धन्य मानती है, अहो भाग्य है संतों का चरण स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है, इतना लाभ है। अगर एक वंश में एक व्यक्ति अगर प्रभु का भजन कर गया, अजिंक्य परिवार में पिता भी भजन करता है, पत्नी भी भजन करती है, बेटे भी भजन करते हैं, सब जो उनका इतना मालिक माली माल है, उनको माले ही माल है, सबके सब जान सत्य सब घर में भजन करे, समझो करोड़ों जन्म का पुण्य से तब भी कोई भगवान की भक्ति में भगवान के नाम में तब भी किसी रुचि होती है। इसलिए जब रूप सनातन श्री महाप्रभु के पास में आए, रूप सनातन नवाब मुसलमान का दिन में काम थी, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में आए बोले हे प्रभु कहाँ हम ब्राह्मण घर में जन्म हुए, कहाँ ये मुसलमान का दिन में हमने काम किए, नीच धर्म नीच जाति और नीच व्यक्ति का दिन में हमने काम किए, हम तो बड़े पति के पापर हैं, हम तो बड़े अधम हैं। लेकिन महाप्रभु बोले अधम नहीं तुम उत्तम, तुम अधम नहीं तुम उत्तम हो। बोले क्यों? बोले तुम्हारे नाम से तुम्हारी जीवा से कृष्ण नाम उच्चारण हो रहा है। श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी
हर समय उनका जीवन में कौन सा नाम जप करते थे, बोले हरे कृष्ण, सबके सब हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, और जोर से बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम आदम नहीं, तुम कौन हो, बोले तुम गौतम हो, बोले क्यों, बोले तुम्हारी जीवा में ये कृष्ण नाम उच्चारण हो रहे, इसलिए महाप्रभु बोले क्षण क्षण का तुम्हें सर्व तीर्थ स्नान, हर क्षण क्षण में तुम सारे तीर्थ में नहा रहे हो, क्षण क्षण में तुम दान दे रहे हो, क्षण क्षण में तुम यज्ञ कर रहे हो और क्षण क्षण में तुम तपस्या कर रहे हो, इसलिए तुम अधम नहीं तुम उत्तम हो, मतलब है जिनकी जिह्वा में कृष्ण कीर्तन करता है, जो अपना जिह्वा में हरि नाम करते हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं, बड़ी भाग्य से कहती जिह्वा से प्रभु का नाम निकलती है, बड़ी भाग्य से, इसलिए श्री महाप्रभु कहां जन्म हुए बल गंगा किनारा, लेकिन जितने उनके भक्त लोग हैं वो कहां कहां दूर दूर देश में जन्म ले लिया, बोले क्यों जन्म लिए, बोले कारण ये जहां पर एक भक्त जन्म लेगा उसकी जन्म से ही वो स्थान पवित्र हो जाएगा, वो स्थान पवित्र हो जाएगा। अभी महाप्रभु अपना भक्तों को एकत्र कर रहे हैं, अभी महाप्रभु भ्रमण करते करते तकिन देश में पहुंचे, पहुंच करके वहां पर श्री रंगम श्री नारायण अब लोग गए हो तकिन यात्रा कौन किए, श्री रंगम जी को कौन दर्शन किए, दर्शन दिए, इसलिए वहां पर महाप्रभु वहां पर कावेरी नदी में स्नान कर गोदावरी में स्नान किया और श्री नारायण का मंदिर में जाकर के जैसे हम लोग कीर्तन करते ना वृंदा का करताल लेकर के महाप्रभु हाथ उठा करके बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौर प्रेमानंदे हरि महाप्रभु कीर्तन किया है, महाप्रभु उन्होंने संन्यास लिया, उनका उम्र कितना था, बोले 26 साल के महाप्रभु है, कृष्ण कितने सुंदर है, सुंदर है और राधा रानी उनको भी माफ करने वाले, बोले महाप्रभु कौन है, यदि राधा कृष्ण दोनों मिल करके इनका जो एक रूप श्री चैतन्य महाप्रभु, तो बताओ महाप्रभु कितने सुंदर नहीं हो, इसलिए हम रोज कीर्तन करते हैं ना, बहु कोटि चंद्र जी पद नाम उज्जवल कल देश बन भाला कर जल भाल, इसलिए बहु कोटि चंद्र जी तथा पिताई पद कमल कोटि चंद्र सुषित, इसलिए महाप्रभु बड़ी सुंदर है और गौर की वस्त्र पहने हुए, जब उन्होंने ठाकुर के सामने नृत्य कर रहे थे ना सारे लोग इकट्ठे हो गए, बोले भैया इतने सुंदर सन्यासी कहाँ से आए, बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर है, अभी ये जो गोपाल भट्ट ठाकुर जी के आशीर्वाद से श्री हमारे श्री वेंकट भट्ट वहीं पर थे, बोले वेंकट भट्ट कौन है, बोले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का पिता है, इनके पिता है, इनका पूरा परिवार पहले ये रामानुज संप्रदाय के अधीन है, ये रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत भजन करने वाले थे, लेकिन उनको पता है महाप्रभु सन्यासी है, सन्यासी सन्यास को सबके सब घर में निमंत्रण करते हैं, साधुओं को घर में भोजन के लिए निमंत्रण करते हैं, बोले क्यों करते हैं, बोले कारण ही जब तक भक्त हमारे घर में नहीं आए और घर में हरि कीर्तन नहीं हो, संतों की चरण धूलि नहीं पड़ता है ना, तब तक घर पवित्र नहीं मानता, इसलिए श्री गंगाचार्य जब श्री नंद बाबा का घर में आए, नंद बाबा कौन है बताओ, नंद बाबा कौन थे, कृष्ण के पिताजी, लेकिन गंगाचार्य जब इनकी घर में आए श्री नंद बाबा क्या कहते हैं, बोले महा विचलना
साधु लोग गृहस्थ घर में क्यों आते हैं? कारण क्या? बोले कारण ही जो गृहस्थी व्यक्ति है ना, हम देखना सवेरे से लेकर शाम तक हम क्या चिंता करते हैं? सवेरे आग खोलते ही घर में नमक है कि नहीं, घर में हल्दी है कि नहीं, घर में चावल है कि नहीं, घर में आटा है कि नहीं, घर में सब्जी है कि नहीं। अब देखना सवेरे से लेकर शाम तक ना हमारी जो दिमाग है नमक हल्दी चावल और आटा भी इसी में ही हमारा दिमाग घूमते रहते हैं। सवेरे से लेकर सोने तक, सोने से पहले सोचते हैं कल खाने के लिए घर चावल हल्दी चावल आटा है। इसलिए यहाँ पर श्री नंदम्बा कहते हैं प्रभु हमारा जो दिमाग है ना दीना दीन चेतसा, हम तो इस संसार की माया में अटके हुए हैं, संसार में दीन भर इसकी चिंता में हमारा जीवन इसी चिंता में चल जाता है। लेकिन साधु लोग घर में क्यों आते हैं? लेकर नहीं हमें जगा, हम जो पैदा करके आए थे मातृ गर्भ में ठाकुर जी, हमें ये जो मानव शरीर दे रहे हो तेरे भजन करेंगे तेरे भक्ति करेंगे, संत इसलिए आते हैं हमें जगाने के लिए। बोले जीव जागो जीव जागो गोरा चांद, बोले जगो, बोले कब तक सोते रहोगे माया की नशे में? कम से कम अभी तो जगो। जग मतलब क्या? अभी तो भगवान की भजन करो, अभी तो ठाकुर जी की भक्ति करो। इसलिए संत इसलिए आते हैं हमें जगाने के लिए आते हैं। इसलिए गुरु ने महाप्रभु को घर में निमंत्रण दिए, अभी निमंत्रण दिए महाप्रभु उनके घर में आए। आए तो वो समय कौन सा समय था? यही समय, ये जो समय है ना यही समय था कि चातुर्मास में महाप्रभु वहां पर गए थे। जब महाप्रभु को घर में गए हैं, संत जब जाते क्या करते हैं? हरि कीर्तन करते, हरि कीर्तन करते, हरि चर्चा करते हैं। इसलिए भक्त था मधुरता चिंता वे परस्पर। संतों का क्या लक्षण है? उनका लक्षण है आपस आपस में हरि चर्चा हरि कीर्तन हरि भजन के सिवाय ये और कोई काम दुनिया की कोई चर्चा नहीं करते हैं। जब उनको घर में गए देखो दुनिया में हमारे प्रभुपाद का समय में कोई भक्त थे है? जब किसी मंदिर में किसी गृहस्थ घर में जाते थे ना, जब तक उसी घर में थोड़ी कीर्तन और हरिकथा नहीं करते थे वो घर का पानी तक भी नहीं पीते थे, वो घर का पानी तक भी नहीं पीते थे। बोले क्यों? बोले जब तक हमने कुछ ढूंढा नहीं आपसे कोई चीज में ग्रहण नहीं कर सकता, जब मैं आपको कुछ ढूंढा फिर आपसे भी कोई चीज ले सकता। इसलिए वो सबसे पहले जा करके अगर किसी मंदिर में जगन्नाथपुरी में अगर किसी मंदिर में रुकने के लिए जाएंगे और रुकने से पहले अपना बिस्तरा पहले रखेंगे और जाकर के पहले वो ठाकुर जी की सेवा करेंगे, मंदिर साफ करेंगे नहीं तो सब्जी अमलिया करेंगे नहीं तो मंदिर की कोई सेवा करेंगे, फिर बोलेंगे भैया हम एक दो दिन यहाँ रुकना चाहते हैं क्या हम रुक सकते हैं यहाँ? इसलिए जो भक्त लोग हैं ना वो किसकी ऋणी रहना नहीं चाहते, वो कुछ देना चाहते हैं। इसलिए संत लोग घर में आकर क्या करते हैं? कीर्तन करेंगे हरि कथा करेंगे हरि चर्चा करेंगे, फिर तो जाकर के किसी वस्तु को ग्रहण कर करते हैं। अभी महाप्रभु उनको घर में गए बस हरि चर्चा करना, घर में हरि चर्चा शुरू कर दी, बड़ी सुंदर हरि कथा सुनाए महाप्रभु। हरि कथा सुनाते सुनाते आप तक ध्यान दे रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु अच्छे तरह से चीज को समझ अच्छे तरह समझे। इसलिए महाप्रभु ने बात बात में एक बात उसे पूछे क्योंकि वो श्री संप्रदाय है। और महाप्रभु कौन सा संप्रदाय है? ब्रह्म महात्म संप्रदाय। इनकी जो आराधना है राधा कृष्ण युगल की उपासना करते हैं और रामानुज संप्रदाय में किसको आराधना करते हैं? बोलो किसको करते हैं? लक्ष्मी नारायण को उपासना करते हैं। इसलिए उनका जो सबसे बड़े भक्त कौन है? श्री लक्ष्मी है सबसे बड़े भक्त। हमारे संप्रदाय में सबसे बड़े भक्त कौन है? श्री राधा रानी है। इसलिए महाप्रभु उन्होंने बात बात उनको प्रश्न कर लिया, बोले देखो तुम्हारी जो लक्ष्मी है ना
तो वैकुंठ में रहती है और उनका इष्ट श्री नारायण है, वहां पर तो सब सोने की बैठी हुई, सारे सिंहासन सोने की, दुकान घर मकान सब सोने की, फिर भी जवाहरात से जड़े हुए लक्ष्मी नारायण का बड़ी ऐश्वर्य सेवा उनको होती है। और कृष्ण रहते कहाँ पर? कृष्ण कहाँ रहते? श्री वृंदावन। वृंदावन में क्या पेड़ पौधा लता पत्ता फूल पर और कुछ नहीं है, वहां पर केवल यही चीज है। इसलिए वो प्रश्न करते हैं, भैया तुम्हारी जो लक्ष्मी तो वैकुंठ में रहने वाली और हमारे कृष्ण में रहने वाले कहाँ पर? वृंदावन में। और कृष्ण कहते हैं कि अपने गैया चराते, कृष्णा गैया चराते, गैया को पीछे पीछे कृष्ण दौड़ते हैं, फिर तुम्हारी जो लक्ष्मी फिर ये वैकुंठ छोड़ करके हमारी जो कृष्ण जो बाला जो गैया चराने वाले भैया इनको पाने के लिए ये लक्ष्मी तपस्या क्यों करती, तुम्हारी आराधना के लिए तपस्या क्यों करती है, क्या कारण है? और उन्होंने पूछे भैया हमने तो ये चीज आपको कहाँ से मिली? बोले ये भागवत से। बोले भागवत मैंने भी पढ़ा लेकिन हमें तो ये बात नहीं मिली थी, अरे अपनी बात कहाँ से मिल गई? तब श्री चैतन्य महाप्रभु भागवत से तीन चार जगह से उन्होंने श्लोक उन्होंने उठा करके बताए। बोले देखो भागवत में कहाँ पर लिखा हुआ ये लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ करके कृष्ण को पाने के लिए तपस्या करती है, वचन बोध में लिखा। इसलिए कहाँ पर भागवत में तब उन्होंने दिखाया? एक श्लोक उन्होंने दिखाया, जब कृष्ण कालियों के सर के ऊपर नृत्य थे, नृत्य करते समय उनकी जो पत्नियां थी ना बड़ी कृष्ण की भक्ति करने वाली, कहता जय दिव्य पत्नी जय नाग कन्यागर भक्ति के जाहर पाहिल परिचित गोपी का चरण, बड़ी कृष्ण की भक्ति करने वाली। लेकिन जो कालिया था ना ये बड़ा दुष्ट था, ये बड़ा दुष्टता का थी, ये भगवान भगवान नहीं मानता। बोले ग्वाला गैया को पीछे पीछे दौड़ता बल बल भगवान होते वो नहीं मानता था, लेकिन उनकी पत्नियां समझाया करती थी, लेकिन वो समझता नहीं था, वो समझता नहीं था। बोले क्या कृष्ण को पीछे पड़े हुए हो? लेकिन ग्वाल गया वो पीछे, लेकिन कृष्ण जब कालिया को सर पर नृत्य कर रहा था, कृष्ण ऐसे चरण की ठोकर मार रहे थे, ऐसे ठोकर मार रहे थे है? उसको मुंह से खून उबलने लग गई, खून गिरने लग गया। उसकी पत्नी दूर से खड़ी होकर देख रही थी, मर जाए तो अच्छा है, कहते मर जाए तो अच्छा। बोले क्यों? बोले एक में तो भजन करता है और हम जो भक्ति करना चाहते ना कभी हमें भक्ति करने नहीं देना है, इसलिए ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं जो भजन करे नहीं और भजन करने वाले को भजन करने नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जिनके प्रिय का नाम वैदे ही तेजिय कोटि वैर सम जद्य भी परम सखी, जद्य भी वो परम स्नेह के पात्र है, अगर भगवान की भक्ति से वो विमुख है तो फिर कर्ण शत्रु मान कर उसको त्याग दे। क्योंकि जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान ने मानव शरीर हमें क्यों दिया? संसार करने के लिए दिया? नहीं, संसार करने के लिए नहीं दिया है। ये 84 लाख जन्मों के बाद में ये एक बार ये मानव शरीर लेता है, जिसको भगवान राम कहते हैं देव ईश विनु हे दूसरे ही, भगवान तो स्नेह पूर्वक कैसे जीवन दे दिया और ये मानव शरीर नहीं। बोले साधन धा मोक्ष करे द्वारा पाई न जे पर सवारा। भगवान राम कह रहे हैं ये मानव शरीर पा करके जो व्यक्ति भव सागर से पार करने की कोशिश नहीं की वो क्या है? वो तो आत्महत्यारा है, आत्महत्यारा है। इसलिए उनको पत्नियां से भी मर जाए तो अच्छा है, लेकिन जब कृष्ण की चरण की ठोकर खा करके, कृष्ण का चरण क्या है? जब शेष महेश गणेश दिनेश और सुरेश और क्या ही निरंतर ध्यान कृष्ण की ये चल रहे, जिनको पाने के लिए ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव आदि कठोर तपस्या करते हैं,
इसलिए वो चरण भगवान का जो सर पर चरण गिरे इतने उसका जो बुद्धि है ना सही हो गई। जो भगवान चरण प्राप्त हो गई ना, वो सोच रहा था चरण को हटा दे, लेकिन भगवान क्या कर रहे थे, जो जबरदस्ती सर पर चरण पर रख रहे थे, जो जबरदस्ती, इसलिए भगवान की चरण स्पर्श से उसकी बुद्धि सुधर गया। जब बुद्धि सुधर गई इतने में उसका जो भावना है ना कृष्ण का चरण पर हुआ। अभी वो सोच रहे थे मेरी पत्नियां जो बोल रही थी ये कृष्ण भगवान है ना, सचमुच से ही भगवान, क्योंकि मेरे सर के ऊपर ये खड़ा हुआ, लगता है विश्व ब्रह्मांड मेरे सर के ऊपर आ गया है, ये लगता है ये भगवान है। उसने मन मन में कृष्ण के चरण में शरणागति हो, जब शरणागति हो गई, अभी दूर से पत्नियां देख रही थी, जब देखा इसकी पति प्रभु की चरण में हो गई है, तो उनको पत्नी होने का ही रहना चाहिए। अभी ये कृष्ण भक्त हो गया, हमारी कृष्ण भक्त हो गया, अभी ये रहनी चाहिए। बोले क्यों रहनी चाहिए, बोले जो स्त्री जाति है, स्त्रियों को बताया अबला, ये अबला मतलब इनके बल नहीं, इसलिए बचपन में पिता माता के अधीन रहती, जवानी में पति को अधीन में, जब वृद्ध हो जाए फिर बच्चों का अधीन में माताएं रहती है। नाग पत्नियां देखने में बड़ी सुंदर थी, बड़ी प्यारी थी, सुंदर थी। अभी वो सोच रहे हैं अगर हमारा पत्नी मारा जाएगा फिर क्या होगा, दूसरा कोई व्यक्ति आकर हमारे ऊपर में आक्रमण करेगा, क्यों पति है, इसलिए पति रहनी चाहिए, क्योंकि अभी ये भक्त हो गया, अगर पति होगा ना फिर क्या होगा, पत्नी को लेकर चलो रोगियों में कथा सुनना है, निर्भय होकर के कोई डर भय के बगैर क्या होगी, स्त्रियां मंदिर में आ सकती हैं, कथा सुनेगी, बोले चलो हम दोनों सत्संग में जाएंगे, हैं सत्संग में जाएंगे, वृंदावन में चलते हैं हम दोनों मिल गए, वृंदावन धाम चलते, फिर क्या होगा, फिर दोनों मिल गए तो क्या होगा, बढ़िया होगा, पहले अकेले करके तब दोनों भक्ति करने लग जाएंगे, बढ़िया होगा, इसलिए बोले अभी ये पति रहनी चाहिए। अरे नाग पत्नियां वास्तुति कर रहे हैं, बोले हे प्रभु हमारी ये पति पूर्व जन्म में इसे कौन सा पुण्य किया है, जिस चरण को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, आप वो दुर्लभ चरण हमारे पति को सर पर रखे हो, हैं कहते हैं वो चरण कैसे हैं, बोले बिहाय का मान और सुचिर कृत बता, देखो ध्यान देकर सुनो, इसलिए यहाँ पर महाप्रभु ने कहा, यहाँ पर श्री नाग पत्नियां कह रहे हैं कृष्ण का चरण कैसे है, और जिन चरण को पाने के लिए मां लक्ष्मी उन्होंने वैकुंठ का सुख भी त्याग दे दिया, वैकुंठ में सारे राज ऐश्वर्य से भरा पड़ा हुआ है, सारे राज ऐश्वर्य वैकुंठ में, हजार हजार दासियां जिनके चरण की सेवा करती हैं, लेकिन कृष्ण का चरण इतने दुर्लभ है, लक्ष्मी भी वैकुंठ को त्याग दे करके, बोले कहाँ पर, बोले वृंदावन में श्री बेलवन में कठोर तपस्या कर रही थी। आप देखना लक्ष्मी को कैसे बैठती है, हर जगह में देखते लक्ष्मी सब आशीर्वाद है, क्योंकि लक्ष्मी के कृपा के बल सब बेकार है, सब लक्ष्मी की कृपा चाहती है, लेकिन आप जाओगे वृंदावन के बेलवन में देखोगे लक्ष्मी को कैसे बैठते हुए नहीं देखो, लक्ष्मी कैसे बैठी थी, अब गए हो कैसे बैठी थी बताओ, हमारे कांचन की समझा, इसलिए लक्ष्मी वहां पर कैसे हाथ जोड़ करके वहां बैठी हुई तपस्या कर रही थी, इसलिए उन्होंने वैकुंठ का सुख भी उन्होंने त्याग दिया, बोले क्यों, बोले कृष्ण के चरण को पाने के लिए, जब कृष्ण दर्शन दिए बोले बताओ तुम इतने कठोर तपस्या वैकुंठ छोड़कर क्यों यहाँ तपस्या कर रहे हो, बोले प्रभु आपको वृंदावन में मैं प्रवेश करना चाहती हूँ, आपका रासों में मैं प्रवेश करना चाहती हूँ, बोले लक्ष्मी अगर रासों में प्रवेश करना चाहते हो ना तुमको दो तीन काम करना पड़ेगा, बोले प्रभु बताओ क्या करना चाहिए, बोले पहला तो ये जो ब्राह्मणी अभिमान किया है तुमको ब्रज में किसी गोप घर में जन्म लेना है, और उनके घर में गोपियां जैसे कंडा बनती ऐसे झंडा थपथपाने पड़े, बोले कोई बात नहीं करो,
और एक वहां पर गति बंधन करना पड़ेगा, जैसे ग्वाल में गति बंधन करती है और गोपी भाव से, और तुम्हारी जो साथी है ना वो मेरे से नहीं होगी, वो साथी होगी किसी दूसरे गोप से साथी होगी। गोपियां जैसे मेरे को प्रेम करती है ऐसे प्रेम करना पड़ेगा, कर सकती हो? बोले प्रभु आपका सारे शर्त तो मैं मान लूंगी लेकिन एक शर्त नहीं मान। बोले कौन सा शर्त है? बोले शादी तो मैं आपसे कर सकती हूँ लेकिन किसी दूसरे को उसे शादी की ये बात मेरे से नहीं हो सकती। अरे बोले फिर यहाँ पर बैठे कहीं पर बैठकर कर बस आया पिछले कहते अभी भी लाइन में बैठे कर वहां पर अभी भी तपस्या कर रहे हैं क्योंकि उसने ये अभिमान को त्याग नहीं किए। इसलिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु उन्होंने ये श्लोक को दिखाया, देखो कैसे नाग पत्नियां कह रही हैं जिन्होंने वैकुंठ का छोड़ करके तपस्या की। फिर उन्होंने दूसरे श्लोक दिखाए जब उद्धव जी ब्रज में आते हैं और ब्रज में उन्होंने जो ब्रजवासियों को प्रेम देखा जैसे कृष्ण विरह में संपूर्ण ब्रज कैसे सूखा पड़ा। कोयल जब से कृष्ण ब्रज छोड़ कर गए कोयल ने भूख दी थी, मयूर केका नहीं करते, गैया घास नहीं खाते, बच्चे दूध नहीं पीते, हैं भैया जिसका तो बेहोश होकर पड़ी हुई वो आंख नहीं खुल रही है। बोले तभी आंख खुलूंगी जब मैं कृष्ण आ गए जब मैं सुन, उसको पहले मैं आंख नहीं खुलूंगी। और गोपियों को देखा जब से कृष्ण गए तब से गोपियां वो उद्धव की आंख पे सही पड़े हुए, और राधा जी को जब उन्होंने देखा ऐसे कमल फूल की सज्जा के ऊपर लेट हुई है और शरीर में अपूर भरपूर चंदन की लेप थी, ऐसे कृष्ण विरह में तड़पड़ा रही थी, एक सेकंड में चंदन अपूर चुर चुर हो रहा था और कृष्णा कैसे भ्रमर बन करके आए और राधा रानी के चरण के ऊपर बैठने चाहते हैं लेकिन कैसे राधा रानी को थुत्कार भाग जाए यहाँ से, किसी काला से हमारा कोई मतलब नहीं, जितने काले सब में सब धूर्त है, हम किसी काले से प्रेम करना नहीं चाहते। ये सब चीज जब उद्धव जी ने देखा कैसे उनके रोम रोम में कण कण में कृष्ण कैसे समाये हुए हैं, उद्धव जी ने कहा देखो भैया अगर कृष्ण कैसे व्यक्ति उनकी बात ही छोड़ दो ना और कोई दूसरी बात करो। वो राधा रानी कहती यही तो बात है, हम तो चाहते हैं ये जीवा में उनका नाम ही नहीं आए लेकिन नहीं जान पर ये जीवा से ना उसका नाम के बगैर कुछ निकल गया। हम चाहते काल में कृष्ण नाम ही नहीं आए, उनके बंसुरी की आवाज नहीं आए लेकिन कान में जब आते ना केवल उसकी बंसुरी की आवाज के बगैर और कोई बात नहीं है। हम सोचते हैं उसका चिंतन नहीं करें लेकिन हमारे मन में उसकी चिंता छोड़कर और कुछ आती है। वैसे राधा रमण लाल की और कोई चीज आती नहीं। जब उद्धव जी ये सब चीज देखा फिर उद्धव जी प्रार्थना करते हैं बोले जो सौभाग्य को है जो सौभाग्य की व्रत गोपी राधा रानी को प्राप्त है वो सौभाग्य नायक श्रीअंगो वृत्तांत व्रत प्रसाद वो सौभाग्य वैकुंठ में लक्ष्मियों को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं स्वर्ग में जो रखा और बस मैंने कहा और श्री बामन देव का लक्ष्मी रखी उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुई। जो सौभाग्य किसको प्राप्त हुई ब्रज गोपियों को प्राप्त हुई, इसलिए लक्ष्मी को भी वो सौभाग्य नहीं मिली है। वहां पर दो श्लोक है उद्धव जहाँ प्रार्थना करते हैं लक्ष्मी कैसे उनको पाने के लिए तपस्या करते हैं। जब उन्होंने ईसव जी के महाप्रभु दिखाया ना वो तो वेंकट भगवान ने देखा भैया मैंने भी पहले भागवत पढ़ा है लेकिन हमारी नजर में ये श्लोक आई हाँ इसलिए यहाँ से क्या देते हैं जहाँ भागवत पढ़ा वैष्णव स्थान अकेले भागवत नहीं पढ़नी चाहिए। कैसे पढ़नी चाहिए वैष्णव को पास में जा करके। बोले कौन सा वैष्णव को पास में, वैष्णव तो बहुत है सारे संप्रदाय में वैष्णव है। बोले कौन सा संप्रदाय में अंतर्भुक्त होकर के भागवत महाप्रभु की धारा में जो वैष्णव आए हैं
उनकी धारा की अन्य दर्शन अगर पढ़ेंगे प्रश्नास्त्र का जो रस है जो सिद्धांत कहना जो तत्व हो तब भी हम समझ पाएंगे जब महाप्रभु की लाइफ में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी विश्वनाथ ठाकुर चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी जब इनकी आनंद दर्शन में ये भागवत को पढ़ेंगे तभी ये भागवत का सार हम समझ पाएंगे हैं समझ पाएंगे। इतने में फिर श्री वेंकट भट्ट ने कहा कि बोले देखो कृष्णा और नारायण में थोड़ी कोई है छोटी एक ही है कृष्णा नारायण तो एक ही है ना वो थोड़ी कोई अलग है। कृष्ण खुद कहते हैं ना जगा जगा ही कर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुतान धर्मस्य तथा अनस्या कृष्ण स्वयं कहते हैं जब जब इसी पृथ्वी को पर में वो ब्राह्मण स्त्री वेद को पर में कोई अत्याचार हो तब तक मैं इसमें अलग अलग अवतार लेकर के भक्तों को रक्षा करता हूँ धर्म का स्थापन करता हूँ। कृष्ण तो खुद गए हैं नारायण राम नरसिंह थोड़ी कोई अलग तो एक ही चीज है वो तो कोई अलग है ही नहीं। फिर उसने बात फर्क क्या रह गया तब उन्होंने पूछे तब श्री महाप्रभु कहते देखो ये सब एक होने पर भी जो नारायण जो वैकुंठ में नारायण में ढाई रस है और कृष्ण के अंदर में पूर्ण रूप में पांच रस है कृष्ण के अंदर में पांच रस है और उसे नारायण के अंदर में कितना रस है ढाई रस नारायण के अंदर में जितने वैकुंठ के भक्त है वो उनका भावना क्या हम सत्य सब सेवक है हम भगवान की दास है और भगवान हमारे क्या लगते हैं ये ठाकुर जी शांताकार भोजन सहिना है इसलिए इसी रूप में भगवान को स्तुति करते हैं वहाँ ऐश्वर्य बुद्धि में उनको भक्ति करते हैं लेकिन वृंदावन में उनको माधुर्य रस नहीं कहते माधुर्य भाव से उनको भक्ति करने का पर श्री वृंदावन में जो उनकी मुख्य पांच रस है बताओ तो क्या मुख्य पांच रस है और बोले भारत बताओ मुख्य पांच रस क्या है बोलो जोर से बोलो देखो ये अंग्रेजी ये अंग्रेजियों के रसिया का अंग्रेज बोल रहे हैं इसलिए कहते हैं हमारी ये पांच रस मुख्य पांच रस इसके कृष्ण का अंदर भी जो माधुर्य ये परिपूर्ण रूप में कृष्ण का अंदर इसलिए लेकिन वैकुंठ में केवल दास्य रस है शांत और दास्य रस है और उनकी जो लक्ष्मी थी उनकी प्रिया तो है लेकिन अपने आप को क्या मानती है हम भगवान की सेविका लेकिन वृंदावन में कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानते कोई कहता है सखा है कोई कहते हैं हमारे लाला है कोई कहते हैं हमारे प्रियतम ये हमारे प्रियतम है इसलिए कहते वहां पर और विशेष करके कृष्ण के अंदर में 64 गुण है कितना गुण है 64 गुण है फिर जो 50 जो गुण है ये जीवों का अंदर है यही 50 गुण ज्यादा रूप में देवता है फिर ब्रह्मा शंकर जी का अंदर में और पांच गुण है 55 गुण है और इसलिए जितने भगवत अवतार मत्स्य कुर्म बरा कदर में और पांच गुण मिला करके 60 गुण हो गया है 60 गुण लेकिन कृष्ण का अंदर में विशेष करके चार गुण है जो और किसका अंदर में है बताओ वो चार गुण क्या क्या है सुबह कृष्ण प्रभु जी इधर आओ बताओ वो चार गुण भगवान के अंदर में क्या विशेष चार गुण जोर जोर से और जो उत्तर सुनो क्या बताए रूप माधुरी नहीं गुण माधुरी गुण माधुरी नहीं और गुण माधुरी क्या कौन बोलेगा रूप माधुरी गुण नहीं और कही बताओ रूप माधुरी एक एक बोलो रूप माधुरी और एक चार गुण है जो और किसी अवतार में नहीं
ये ब्रह्मा शंकर जी का भी नहीं और ये देवता का भी नहीं और ये जीव का भी नहीं, केवल ये कृष्ण का अंदर में ये चार विशेष रूप है। हम लोग समय इसको अच्छे तरह से सुने थे, इसलिए चार केवल कृष्ण का जो है विद्यमान है। तब श्रीमद महाप्रभु वहां चार महीना तक रहे और चार महीना तक वहां पर उनके घर में समझो भगवत कृष्ण तथा मंदा की नदी उनके घर में बहे। देखो साधारण वैष्णव का संग करना, साधारण किसी वैष्णव का संग करो, हमारे गुरु जी से कथा सुनाना, कौन कौन गुरु जी से कथा सुनाना, हमारे बड़े गुरु जी से हाथ उठाकर कथा सुना, हाथ उठाकर बड़े गुरु जी से कथा सुना। इसलिए गुरु जी कथा कितने प्यारी थी, कितने मीठी कथा थी, जहाँ पर स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कथा करते होंगे। चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण दोनों मिल करके एक रूप है। जहाँ पर महाप्रभु, जहाँ पर प्रभु की कथा सुना करके आप समझो वो कथा कितने मीठी नहीं, वो कितने मधुर कथा नहीं होगा, और कितना दिन तक कथा सुना वहां पर चातुर्मास से महाप्रभु वहीं पर रहे हैं। और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी उनका उम्र था 10-11 साल की उम्र के, और वो चुपचाप बैठ करके चार महीना तक उन्होंने महाप्रभु के मुख से उन्होंने कथा सुनी। जब महाप्रभु कथा के बाद में फिर महाप्रभु के प्रभाव से वो पूरा के पूरा परिवर्तन हो गए। इसलिए वेंकटगढ़ एक त्रिबल मठ और एक श्री प्रबोधानंद सरस्वती और श्री गोपाल मठ, गोपाल मठ तो वेंकट मठ का पुत्र है और वो कितना भाई थे, वो तीन भाई थे और उनमें एक भाई थे जिनका नाम था श्री प्रबोधानंद सरस्वती, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखे बोलो, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखे, जोर से बोलो 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 कौन सा ग्रंथ उन्होंने लिखे, बोलो कौन बोलेगा, बोलो जोर से कौन, इन्होंने एक हमारी संप्रदाय के लिए अनमोल ग्रंथ लिखे जिसका नाम राधा रस सुधा निधि। कहती है पूर्व जन्म में कौन थे प्रबोधानंद सरस्वती, पूर्व जन्म में कौन थे और थे बोलो जोर से, ये थे श्री तुंग विद्या सखी, कृष्ण की जो आठ नयन सखी है उसमें एक सखी का नाम श्री तुंग विद्या, ये पूर्व जन्म ये तुंग विद्या सखी थे। और उन्होंने जो राधा रस सुधा निधि, आप बहुत सारे जरूर वो ग्रंथ रूपण है, केवल राधा नहीं रस है, रस नहीं सुधा अमृत, अमृत नहीं निधि, निधि मतलब क्या समझ रहे हैं, राधा रस सुधा निधि अद्भुत ग्रंथ है। ग्रंथ नहीं केवल राधा जी की ही महिमा, केवल राधा जी की महिमा उन्होंने कहा है, कैसे से राधा रानी जैसे सात समुद्र है, सात समुद्र है, इक्कु समुद्र, लवण समुद्र, दूध की समुद्र, शहद की समुद्र, घी की समुद्र है, जैसे सात समुद्र है, बोले राधा जी के अंदर में भी सारे समुद्र विद्यमान। वो बड़ी सुंदर और वैतन्य सिंधु, रस मूर्ति, कृपा का सिंधु, वात्सल्य सिंधु है, इसलिए लावण्य सिंधु, श्री राधे के सुमरत में रस थे सिंधु। राधा रानी ने ये जितने सारे रस है, कहते जितने जितने सारे रस है श्री राधा रानी ने, कहते श्री राधा रानी ने ये सारे रस श्री राधा रानी का विद्यमान होता है। राधा रानी अद्भुत ग्रंथ है, आप लोग जरूर ये ग्रंथ को पढ़ना, ठीक है ना, बताओ ग्रंथ का नाम क्या, राधा रस सुधा निधि, राधा जी केवल राधा, राधा रानी की महिमा। और एक ग्रंथ लिखे उसका नाम है वृंदावन महिमा प्रीतम, उसमें वृंदावन क्यों बहस करनी चाहिए, उसमें कह रहे हैं अगर लड़की को बीच बाजार में बेच करके अगर हमें वृंदावन में वास करना हो तो मैं अपना बेटी को बीच बाजार में बेच दूंगी, बेच दूंगा और उसे वृंदावन में वास करना, मतलब है वृंदावन धाम का प्रतिबिंब जो अद्भुत जो निष्ठा है वो
अद्भुत और निष्ठा को दिखाया। वृंदावन धाम की राधा जी की हृदय वृंदावन की कृष्ण सेवा के लिए राधा रानी अपने हृदय को बिछा करके श्री वृंदावन धाम अद्भुत ग्रंथ है। ना देखो हमारी गोस्वामी ने बड़ी कृपा करके ग्रंथ पर रचना की। अगर हम तो ग्रंथ लिख नहीं सकते, कोशिश करना ग्रंथ को पढ़ने के लिए। इधर उधर मोबाइल स्मार्टफोन टीवी टीवी नहीं देख करके क्या करो, ये ग्रंथ को पढ़ दो जिसमें आत्मा की कल्याण आत्मा की शांति मिलेगी। लेकिन ये टीवी मोबाइल इंटरनेट ना बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, ये पूरा बुद्धि को ये भ्रष्ट कर दे। और ये ग्रंथ को पढ़ोगे ना तो बुद्धि एकदम सही हो जाएगी, शांति मिलेगी आत्मा, ठीक है ना। इसलिए इसके मैंने चैतन्य महाप्रभु जब वहां से छोड़ करके जाना शुरू किया, गोपाल कटनी बोले प्रभु कहीं को साथ में ले चलो, लेकिन महाप्रभु बोले नहीं, तेरे पिता माता वैष्णव वैष्णव भी है, जब तक तुम्हारी पिता माता है तब तक रहो, पिता माता की सेवा करते रहो, जब तुम्हारी पिता माता चले जाए घर चले जाए। तो गुरुदेव कहते थे तो उन्होंने ऐसे क्यों बोले, पिता माता की सेवा करो जब तक नहीं जाए, क्या भगवान के भजन से ये श्रेष्ठ है। गुरुदेव इसका कारण कहते थे जब श्री रामानुज संप्रदाय की जो विधि विधान जो नियम है बड़ी पक्की नियम है जो वैद्य भक्ति बड़े चित्रांत रूप में जागृत करते हैं। महाप्रभु की इच्छा थी हमारे संप्रदाय में भी ऐसे ग्रंथ हो, इसलिए भविष्य में ग्रंथ लिखे। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखे, एक तो उन्होंने सत्य सात दिन का जो ग्रंथ है ना, कैसे दीक्षा होता है, ठाकुर की सेवा पूजा कैसे करनी चाहिए, संन्यास कौन सा मंत्र में लेते हैं, यज्ञ कैसे करनी चाहिए, अन्न प्राशन कैसे, सब विधि विधान को लिखे। और एक ग्रंथ श्री हरिभक्ति विलास है, हरिभक्ति विलास ग्रंथ को उसकी सनातन गोस्वामी ने प्रणय में किया है, लेकिन इनकी भी इसी ग्रंथ में बहुत अवदान, इनकी भी इसी ग्रंथ में बहुत अवदान। और इसकी जो जो सर्व संदर्भ जीव गोस्वामी ने लिखे, इसका जो मूल सूत्र रूप श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दिया है लिखे, और उसको आधार करके जीव गोस्वामी ने सर्व संदर्भ ग्रंथ को उन्होंने रचना की। इसलिए हमारे संप्रदाय के लिए इनका ग्रंथ अनमोल है। जब फिर वो वृंदावन में आए तब वृंदावन में रहते समय वो घंटों की नदी होते हुए आए थे, वहां से कुछ सालक राम को लेकर के आए। एक दिन एक झूला का समय आया, एक सेठ ने मंदिर मंदिर में कुछ ठाकुर को पहनाने के कपड़े अलग अलग लेकर गए, लेकिन इनके पास उनका सालक राम है। अब ये सोच रहे थे अगर मेरे साथ में अगर ठाकुर जी होते हैं ना जुगल सरकार होते हैं, फिर मैं ठाकुर जी को भी स्वीकार करके झूला बदला। अब इनकी भावना को देखकर के जब वो जमुना स्नान करके आए ना, देखा स्वयं सालक राम से सकरी सुंदर से ही राधा रमण लाल ठाकुर स्वयं प्रकट हुए, बोले श्री राधा रमण लाल की। इसलिए सारे की कथा सब जगह पर चली गई। देखो सारे ठाकुर को ये वज्रनाभ ने प्रकाशित किया, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जितने ठाकुर, लेकिन जो राधा रमण है ना इनको किसने बनाया, इनको कोई नहीं बनाया। राधा रमण देखे हो, कौन कौन राधा रमण बोल रहे हो आप देखना, बड़ी सुंदर टेढ़े है और उनका दो दांत भी निकला हुआ, आप सही से देखोगे ना जैसे बच्चा हंसता है ऐसे इनका दो दांत भी निकली हुई है। और इनको पीछे देखोगे सालग्राम लगा हुआ है, सालग्राम लगा हुआ, इसलिए ठाकुर को कोई प्रकट नहीं किया, ठाकुर उसने बनाया नहीं हाथों में, कि ठाकुर जी स्वयं प्रकटित हुए है इसे राधा रमण। इसलिए जब से औरंगजेब ने वृंदावन के ऊपर में आक्रमण किया, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सारे ठाकुर कहाँ चले गए, जयपुर चले गए, लेकिन केवल श्री राधा रमण नहीं गए, राधा रमण ही पर डूब गए। बोले क्यों, कारण क्या, तो गुरुदेव पता करते ये छोटे थे इसलिए राह के कर नहीं, बोले भगवान कब चले जाते हैं, तभी चीज को अच्छे तरह से समझो, भगवान कब चले जाते हैं हमारा पास, जब ठाकुर को सेवा पूजा ठीक से नहीं, ठाकुर का पूजा नहीं करे, सेवा नहीं करे, खाना नहीं खिलाए, ठाकुर तो स्वयं ठाकुर है ना, ठाकुर तो स्वीकार नहीं करे, दिन में तो स्वयं अपना कपड़े को दो बार बदला देते हैं, ठाकुर जी का दस पंद्रह मिनट में एक कपड़ा पहन कर बैठे हुए, स्वयं तो जाकर के बाहर चला चला खा लेते, ठाकुर की वजह से भूखे पड़े थे, ठाकुर को सेवा नहीं करते, ठाकुर को तो समझते ही तो पैसे पत्थर पर बैठा हुआ है, ये थोड़ी बोलना है ठाकुर, ऐसे नहीं करनी चाहिए,
इसलिए श्री कहते हैं आत्मबद्ध सलाह करो। जैसे गर्मी का समय में हम कपड़ा कैसे पहनते, गर्मी जैसे, ठंडा का समय में ठंडा जैसे कपड़ा पहनते हैं, गर्मी का समय में ठंडा खाना खाते हैं, गर्मी का समय गर्मी खाना खाते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी को आत्मबद्ध ठाकुर जी को सेवा करनी चाहिए। अगर ठाकुर जी को सही सही सेवा करोगे ना, ठाकुर आपके साथ में बोलेंगे, कभी मान करके बैठ जाएंगे, कभी स्वप्न में आएंगे, मेरे को ये चीज दो, मेरे को ये चीज पसंद। आप स्वयं देखना अच्छी तरह से भावना के साथ ठाकुर को सेवा करो, एकदम प्रेम से ठाकुर को खाना खिलाओ, श्रृंगार करो, उनको स्नान कराओ। देखना ठाकुर को, जब हमारे मंदिर में एक माता जी वृंदावन मंदिर में आते थे, उनकी कथा सुना, तो माता जी ना कुछ दिन पहले अप्रकट हुई है, वो एकादशी का दिन उन्होंने सहेली छोड़ी, वो महीना में एक बार आती थी वो वृंदावन में माता जी। ये उनको जो हाथ खर्चा मिलता था वो माता जी को पैसा कभी अपना लिए अच्छे कपड़ा नहीं पहनते, अच्छे खाना नहीं खाने की साधा, लेकिन वो पैसा को जमा करते करते रखते थे और महीना में एक बार आएगी यमुना में जाएगी, 30 दिन के लिए 30 गोता लगाएगी रोज, और राधा दामोदर मंदिर में जाएगी और वहाँ 30 दिन के लिए 30 परिक्रमा लगाएगी और सारा मंदिर दर्शन करेंगे। दिन में 1 लाख हरिनाम करती थी, हर महीना बजाना जानती थी, उनको पास बड़ी सुंदर जुगल सरकार, बड़ी सुंदर ठाकुर, बड़ी प्यारी जुगल सरकार, सामने ठाकुर को बैठा करके हाल है, बड़ी सुंदर सुंदर पद सुनाया करती थी, रोज अपने हाथों से ठाकुर का अभिषेक करेगी, ठाकुर को श्रृंगार करेगी और वैष्णव सेवा जो पैसा मिलता था उसको ला कर क्या करती थी, हमारे जितने गौड़ीय मठ है सबको निमंत्रण देगी, देखेंगे अपने हाथ में कढ़ी बहुत बढ़िया बनाया करती थी। विशेष करके हम लोग मंदिर में तो बहुत सब्जी हम बनाते थे, वो बोलते थे कढ़ी बना, कढ़ी में बढ़िया सौंप दे करके बड़ी सुंदर कढ़ी बनाया करती थी और सत्तों को बैठा कर खाना खिलाएगी और उनको प्रणाम करती थी। शाम को जब बात करते थे ना, बोले ठाकुर जी को मान करके बैठ जाते थे, कभी कभी कपड़ा पहना बोलते मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा, कोई नया कपड़ा मेरे को पहना, ठाकुर जी ने पहना वो कपड़ा फिसल जाएगा, इसलिए वो जब जब वृंदावन आएगी ये नहीं सोचेगी ठाकुर का कितना जोड़ी कपड़ा आएगी, तो वहां पर एक नंदकिशोर दुकान है वृंदावन में, वो जाएगी बढ़िया से बढ़िया कपड़ा लेकर के जाएगी, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा लेकर के जाएगी ठाकुर जी के लिए, और वो बोलती है ठाकुर मेरे को इस स्वप्न में दी बच्चे, ठाकुर मेरे को ये खाना खिला ऐसे खिला, आप उसकी बात सुनते ना बहुत आश्चर्य कर जाओ, वो शरीर छोड़ने से एक दिन पहले वाले को बोल दी वहां पर दिल्ली से, बोले महाराज जी मैं कुछ पैसा भेज रहे हो, आप इसी पैसा से अभी भी ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, ये पैसा से सारे वृंदावन के वैष्णव को बुला करके प्रसाद खिला देना और सबको थोड़ी थोड़ी प्रणाम देना, मैं प्रणाम का भी पैसा भेज रहा हूँ और प्रसाद भी पैसा, एक दिन पहले उसी ने हमें कॉल किया और दूसरे दिन थी एकादशी और एकादशी का दिन उसने बात करते करते बोलते बोलते अपना शरीर छोड़ा, फिर उन्होंने बोल कर कहे थे मेरे अंतिम संस्कार वृंदावन नहीं करना, जैसे ब्रज रज हमें प्राप्त हो, वो अनुभूति आप सुनेंगे ना दंग रह जाओगे, ऐसे ऐसे अद्भुत ठाकुर जी की बात बताया करती थी। इसलिए जब हम ठाकुर को ठीक ठीक से अच्छी दिल से ठाकुर को सेवा करोगे ना, ठाकुर तुमसे बात करोगे, ठाकुर जी हमारे साथ में बात करते हैं ठाकुर जी, इसलिए ठाकुर को सेवा पूजा करनी चाहिए ठीक ठीक से, ठाकुर जी का हमें सेवा पूजा करनी चाहिए ठीक है ना। इसलिए गोपाल श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी इसे राधा रमण जी को प्रकट किए, इसलिए राधा रमण बड़े, इसलिए इनका नाम रखा राधा रमण। ये और एक कथा की है, जब महाप्रभु का विरह में व्याकुल हो गए, महाप्रभु दुनिया छोड़कर के चले गए, तब जो शालग्राम का स्वयं श्री विग्रह रूप में प्रकट हो गया, इसलिए इनका राधा रमण नाम रखा। बोले क्यों, महाप्रभु ने राधा कृष्ण दोनों मिलकर के महाप्रभु का स्वरूप दिया, इसलिए राधा रमण मतलब राधा जी को जो रमण करते हैं, बोले कौन, बोले कृष्णा, इसलिए मानो कि राधा रमण विग्रह में स्वयं महाप्रभु का दर्शन करते हुए उनको महाप्रभु की दर्शन होती थी, वो विग्रह कितनी विरह दूर होता था। इसलिए आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्मतिथि है और हम सबके सब इनकी चरण में प्रार्थना करते हैं, आप हम सबको पर कृपा करें, जैसे सारा जीवन गुरु वैष्णव की आनुगत्य में रहते हुए जैसे हम भगवान की भजन कर सके, वे सब सबको पर इनकी कृपा बरसे।
बोले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। बोले सारद गोस्वामी की जय। इनका एक शिष्य श्रीनिवास आचार्य जी ने संपूर्ण बंगाल में प्रचार की बहुत सारी कथा है। इसलिए सबके सब हरिनाम करना, मैं कल बता रहा था हरिनाम हमें संख्या पूर्वक कुल करनी चाहिए। ये भक्ति प्रिय ठाकुर तो भक्ति प्रिय ठाकुर लिख रहे हैं, बताए ना हरिनाम संख्या पूर्वक कुल करें, जितना हो सके उतना क्यों नहीं करें, संख्या पूर्वक तो भी संभव। तब वो कहते हैं श्री बाबा जी महाराज को प्रश्न करते हैं विद्वान, वो कह रहे हैं इसलिए हमें संख्या रख करके करनी चाहिए क्योंकि कलयुग में भगवत प्राप्ति का केवल एक उपाय है कि हरिनाम कीर्तन, केवल एक उपाय और दो उपाय। अभी हमारे भजन बढ़ रही ना भजन घट रही इसको प्रमाण के लिए चलेगा केवल हरिनाम से, क्योंकि हरि भगवान और उनका नाम कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने बताया हरि नाम को 30 नंबर तक करेगा। ऐसे में आज जो इच्छा वाला किया कल इच्छाने वाला माला जहाँ तहाँ लग रहे हैं, इसलिए हमारी भजन बढ़ रही ना भजन घट रही इससे पता चल जाती है। जैसे कोई एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है लेकिन वो पता कैसे चलता है सही सही पढ़ा के लिए, जब उसको एग्जाम होता है उसका जब नंबर आता है ना मार्क आता है पता चलता है भैया इसने पढ़ाई बहुत अच्छे तरह से किया 90% उसने मार्क आया, कहते ना। तब उसी तरह कलयुग में भगवत प्राप्ति का एक उपाय हरिनाम कीर्तन है, इसलिए ये हरिनाम से ही पता चल रहा भजन हमारी बढ़ रही ना भजन हमारी घट रही। इसलिए महाप्रभु ने संख्या रख करके हरिनाम करो, ऐसे एक संख्या रखो जो कि उससे कम नहीं, भले उसको ऊपर जाओ तब उससे नीचे का भी मत उतारो, ठीक है ना। बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama।